हेलो फ्रेंड्स, मैं उपचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मैं हूं एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। चलिए बात करते हैं आज की मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एसएमएस प्लस टैबलेट, जिसको ल्यूपिन कंपनी बनाती है। और इस दवा का उपयोग होता है बहुत सारे दर्दों को ठीक करने के लिए जो आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं विभिन्न कारणों से। मैं उन कारणों के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा और यही बताऊँगा कि ये दवा आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। चलिए बात करते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। वैसे तो ये दवा बहुत सारे दर्दों का निवारण करती है, लेकिन मैं उन दर्दों के बारे में आपको बताऊंगा जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें पहला आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा है स्प्रेन, चौथा है जॉइंट पेन और पाँचवा है मसल पेन। चलिए बात करते हैं अब इन रोगों के बारे में, आखिर ये होते क्या हैं। इसमें पहला मैंने आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आपकी हड्डियों में जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव एक टिश्यू है, उत्तक है, वो डैमेज होने लग जाता है और इसका मुख्य कारण आपकी एज हो सकती है। दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका मतलब जो आपका गठिया का दर्द है, यानी गठिया आपके जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे उंगलियों में हो सकते हैं, आपके कलाई में हो सकते हैं ये जॉइंट्स, आपके पैरों में हो सकते हैं, तो इनमें सूजन आ जाती है, क्योंकि जो जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं ना, उनमें एक लाइनिंग होती है जो उनको कनेक्ट करती है, वो टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं। तीसरा इसमें आता है स्प्रेन। स्प्रेन होते हैं लिगामेंट जो कि आपकी हड्डियों को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है, यानी जॉइंट जो होते हैं उनको जोड़ते हैं, तो वो टिश्यू जब डैमेज होने लगते हैं तो उसमें स्प्रेन होता है, यानी वो दर्द होने लग जाते हैं वहाँ पे उन लिगामेंट्स में। चौथा आता है मसल पेन, यानी कि मांसपेशियों में दर्द। ये बहुत सारी वजह से हो सकता है, जैसे को आपने कोई स्ट्रेचिंग कर ली, कोई सामान उठा लिया, आपकी कमर में दर्द होने लग गया, तो इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। और पांचवा आता है जॉइंट पेन, कि आपके जोड़ों में दर्द, और जोड़ों के दर्द से तो बहुत लोग परेशान हैं ही। आपको पता ही है कि आपके जॉइंट्स में कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, मेनली उम्र के साथ चढ़ते चढ़ते ये चीज़ होने लग जाती है। तो ये थे वो रोग जिनमें दवा काम आती है। अब चलिए बात करते हैं ये दवा कैसे आपके शरीर पर काम करती है, यानी कि कैसे वर्क करती है जिससे कि आपको दर्द का एहसास होना बंद होने लगता है। इस दवा में मुख्य दो सॉल्ट होते हैं, पहला है एसिक्लोफिनिक, दूसरा है पैरासिटामोल। ये दोनों ही एनसेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनका मतलब ये होता है कि जो भी आपके शरीर में सूजन या दर्द हो रहा है ये उसको ठीक करती है। अब ये सोच रहे होंगे ये यार ये सूजन और दर्द हमारे शरीर में कैसे होने लग जाती है, तो हमारे शरीर में एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँचाता है कि आपको उस जगह स्वेलिंग हो रही है दर्द, यानी कि आपको किसी ने पिन चुबोई या कुछ आपको लगा, तो वो एजेंट सीधा आपके ब्रेन तक सिग्नल ले जाएगा कि भाई यहाँ पर आपको दर्द का एहसास हो रहा है। और जो सेंसेशन वहाँ पे हो रही होती है उसमें जो सब्सटेंस आते हैं वो होते हैं ब्रेडिकाइनिन, TNF, अल्फा और अन्य, जो आपको सेंसेशन का एक सनसनाहट का एक एहसास दिलाते हैं। तो ये दवा इन सब का एक्शन जो होता है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि आपको ना दर्द होता है ना वहाँ पे कोई सेंसेशन महसूस होती है। तो अब बात करते हैं इस दवा की खुराक के बारे में। इस दवा की एक टैबलेट दिन में दो बार खाना खाने के बाद देनी चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु के युवकों के लिए दवा बिल्कुल नहीं है। और इस दवा का सेवन आप डॉक्टर की सलाह से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है और किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको डॉक्टर के पर्चे के बिना ये दवा नहीं मिल सकती है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस दवा का सेवन आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अब चलिए बात करते हैं इस दवा से जुड़े हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि कुछ दुष्प्रभावों के बारे में, जिसमें पहला हो सकता है आपका इनडाइजेशन, यानी आपका खाना ठीक से ना पच रहा हो। दूसरा हो सकता है स्टमक पेन, यानी कि एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी आपके पेट में दर्द हो रहा हो। तीसरा हो सकता है इसमें नोज़िया या वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या मतली की शिकायत आ जाए। चौथा हो जाएगा भाई आपको डिजीनेस, यानी कि आपको हल्की हल्की नींद आ जाए इसको लेने के बाद। और अंत में हो सकता है आपको सीने में जलन का एहसास। अगर आपको इसके अलावा या अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे इस दवा को लेने के बाद, तो डरिए मत, आप बिल्कुल बेझिझक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें और उनको इसके बारे में बताएं। तो चलिए बात करते हैं इस दवा से जुड़ी हुई कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आपको लीवर या किडनी की कोई भी गंभीर बीमारी है, यानी कि अगर आपका लीवर डैमेज है या आपको जॉन्डिस है या आपकी कोई किडनी में कोई खराबी है या कोई दिक्कत आ रखी है, तो आप इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इस दवा से कोई एलर्जी है तब भी आप इस दवा को अवॉइड करें।
और अगर आपके पेट में छाले हैं यानी कि पेप्टिक अल्सर है तब भी आप इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और आप घर बैठे बैठे डॉक्टर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं यानी कि ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं हमारे डॉक्टरों से, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आप प्रश्न पूछिए, हमारे डॉक्टर आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ दवाओं के बारे में बता दूं जो बिल्कुल इसी दवा की तरह काम करेंगी, यानी कि आप उन दवाओं को इसकी जगह ले सकते हैं। एसिनेक पी टैबलेट, एसिक्लो प्लस टैबलेट, डोलोकाइन प्लस टैबलेट, डोलोविन प्लस टैबलेट, हिफनेक पी टैबलेट। तो यह थी इस दवा के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप भी इन रोगों से ग्रसित हैं यानी कि आपको जोड़ों में दर्द होता है या आपको किसी प्रकार का पेन है या आपको इस दवा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सवाल का उत्तर ज़रूर देंगे। जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।